अस्सलाम वालेकुम। जी सैटरडे की जो क्लास थी रिकॉर्डिंग देख ली सब में कि नहीं देखी? जी क्योंकि सैटरडे की क्लास में लोग कम थे, सिर्फ आई वांट टू इंश्योर के जो लोग नहीं आए थे सैटरडे को उन्होंने रिकॉर्डिंग देख ली है, क्योंकि काफी चीजें जो हमने उस दिन डिस्कस की थी उसके आगे बिल्ड करना है। चलो जी वुल बी स्टार्टिंग। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट। और जो कल हमने यानी कि सैटरडे को जो चीजें देखी थी उसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो देखने पहले। जी हमारा अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो फर्म इक्विलिब्रियम के हवाले से डिस्कशन है, और फर्म के इक्विलिब्रियम को हम समझना चाह रहे हैं कि फर्म का इक्विलिब्रियम होता क्या है और उसको हम फर्म के इक्विलिब्रियम को समझना चाह रहे हैं। फर्म के इक्विलिब्रियम को पढ़ते हुए हमने सैटरडे वाले दिन ये चीज अंडरस्टैंड कर ली थी कि इफ वी कैन ड्रॉ दी टोटल रेवेन्यू लाइन एंड वी कैन ड्रॉ दी टोटल कॉस्ट कर्व लाइन, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि आवर कॉस्ट कर्व एंड टोटल रेवेन्यू देयर विल बी सर्टेन मैक्सिमम पॉइंट, और वो मैक्सिमम पॉइंट कहां पे होगा? जहां पे आपकी पैरेलल लाइन थी और टेंजेंट थी, और वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट मेकिंग आउटपुट, और इतनी क्वांटिटी आपको सेल करनी चाहिए, इतनी क्वांटिटी आपको सेल करनी चाहिए। ये चीजें हमने देख ली थी पैरेलल लाइन का सेम, ये जब हमने ये चीज पढ़ी फिर हमने एनालिसिस किया, और उस एनालिसिस की बेस के ऊपर हमने कंडीशंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अंडरस्टैंड की, और उसके अंदर हमने पहली नेसेसरी कंडीशन हमने समझी कि जनाब इसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं होगा। इसको हमने नेसेसरी कंडीशन कहा, और नेसेसरी कंडीशन को हमने कहा कि वेयर एम सी इज इक्वल टू एम आर, दिस इज नेसेसरी कंडीशन। जहां पे हमारा एम सी एम आर के बराबर होगा वहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगी, एक चीज। और दूसरी चीज हमने कहा वेयर एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, तो वहां पे अगर ऊपर से कट करेगी गुजरेगी तो वो नहीं, यानी कि जिस पॉइंट पे एम सी एम आर के बराबर हुआ है उस पॉइंट से पहले एम सी वाज मोर देन एम आर, तो फिर तो इक्विलिब्रियम नहीं है, और उस पॉइंट से पहले
if MC is less than MR, MC cuts MR from below, ये जो हमने ये बात की, यहाँ पे equilibrium होगा, MC cuts MR, इस जहाँ पे बराबर हुआ, उससे पहले MC was lower than MR, less than MR, ठीक है जी? इस equilibrium की second condition हमारे सामने ली है, ये दो चीजें हमने पढ़ ली, अब let's move on to understand different scenarios. अब वो different scenarios क्या हो सकते हैं? हम अभी हमारी discussion market structure perfect for competition की discussion है. अभी तक हम perfect competition की बात कर रहे हैं. याद है perfect competition और उसकी हमने कुछ characteristics देखे थे. ideal situation है लेकिन हमने कुछ characteristics देखे थे और उसी की base के ऊपर हमने ये identify किया था कि ये total revenue line perfect competition में एक straight line होगी, even line होगी, same उसकी slope होगी और इसको हमने identify किया था. याद है? अब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कई कंडीशंस आ सकती हैं. क्यों आ सकती है? कॉस्ट स्ट्रक्चर तो मार्केट का आपका फर्म का होगा. एक फॉर एग्जांपल मैं चेयर्स बेचा हूं, चेयर्स बेचने की जो कॉस्ट है वो तो फर्म के लेवल पे डिसाइड हो रही है कि मैंने कितनी सैलरी पे की है, मैंने परचेज मटेरियल कितने का किया है, मैंने बिजली कितनी इस्तेमाल की है, मैंने एफिशिएंटली काम किया है, इनएफिशिएंटली काम किया है, वो तो फर्म के लेवल पे डिसाइड हो रहा है. कॉस्ट इज डिसाइडेड इज कंपाइल्ड ऑन फर्म लेवल, बट इन परफेक्ट कंपटीशन हमने देखा था वी आर प्राइस टेकर. मार्केट ने जो प्राइस कह दी उसके मुताबिक ही हमें चलना है. मार्केट हमें डिक्टेट करती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर. हम मार्केट को डिक्टेट नहीं कर सकते, मार्केट की प्राइस के मुताबिक ही करना है. अच्छा ठीक हो गया सर, आपने कहा हमने मान लिया. अब जो वो मार्केट की प्राइस है वो कुछ कई सिचुएशंस हो सकती है. वो मार्केट की प्राइस जो हमारी कॉस्ट है उससे ज्यादा हो सकती है, तो इसका मतलब है कि हमें प्रॉफिट हो रहा होगा. वही मार्केट की प्राइस हमारी कॉस्ट के बराबर हो सकती है. अगर जो मार्केट ने प्राइस डिटरमिन की वो प्राइस हमारी कॉस्ट के बराबर है तो हो सकता है कि हम ब्रेक इवन के ऊपर हों, और वही प्राइस हो सकता है कि हमारी कॉस्ट से भी कम हो. मार्केट ने प्राइस रखी कुछ भी डिटरमिन की मार्केट में, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन की सिचुएशन है इसमें हम मार्केट को डिक्टेट नहीं कर सकते, मार्केट की प्राइस को ही एक्सेप्शन है. तो हमारी कॉस्ट ज्यादा होगी तो मार्केट की प्राइस अगर कम होगी तो डेफिनेटली हम लॉस की सिचुएशन में होंगे. अब ये चीज तो हमें सिनेरियोज नजर आ गए, वो सिनेरियोज कौन से है ना, वो कौन कौन से हो सकते हैं. अब उनको इकोनॉमिक्स में हम कहते क्या है ये बताते हैं. वो कहते हैं कि यहां तो आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर क्या सिचुएशन होगी. वो कहता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में यहां पे आपका जो एआर एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन योर एवरेज कॉस्ट. जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है डेफिनेटली वहां पे हम जो रेवेन्यू कमा रहे हैं वो हमारे सुपर जो कॉस्ट है उससे ज्यादा है. या नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट में कहता है जी कि अभी सिर्फ समझ नहीं पड़ रही मेरे साथ, इसको फिर हम प्रैक्टिकली फिगर्स में भी देखेंगे, हम इसके ग्राफ बना के देखेंगे कि क्या सिचुएशन, किस तरह की सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में हमारे ग्राफ की लुक कैसी होगी और नॉर्मल प्रॉफिट में हमारे ग्राफ की लुक कैसी होगी. नॉर्मल प्रॉफिट में कहता है ऐसी सिचुएशन
जहां पे योर एआर इक्वल टू योर एसी, ये आप मार्जिनल प्रॉफिट है आपके रिटर्न की कौन सी बात कर रहे हैं, एआर इक्वल टू एसी ये आप मार्जिनल प्रॉफिट कह रहे हैं, ये जितनी कॉस्ट थी उतनी ही रिकवर की, ये तो मार्जिनल प्रॉफिट नहीं, ये तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। तो हम कहेंगे कि नहीं सर, इसमें ये मार्जिनल प्रॉफिट है। क्यों? इकोनॉमिक्स में जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट इंक्लूड ऑल थिंग्स, कॉस्ट में जो आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो कंपनसेशन पे की है वो आपकी सारी इसमें इंक्लूड होगी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आपने लेबर को वेजेस पे की है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, आपने लैंड को रेंट पे किया है वो आप अपनी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे, आपने जो कैपिटल है उसको इंटरेस्ट पे किया है अपनी कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, आपने एंटरप्रेन्योर को एंटरप्राइज को प्रॉफिट पे किया है वो आप अपनी कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। फिर हमने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी देखी थी, याद? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी देखी थी। फाइनेंशियल जब आप पढ़ते हैं, जब अकाउंट्स पढ़ते हैं, अकाउंटिंग में जब बात करते हैं फाइनेंशियल मैटर के अंदर, तो वहां पे हम सिर्फ कॉस्ट लेते हैं जो हमारी फाइनेंस, जो हमारा मॉनिटरी टर्म के अंदर कुछ हमने पे किया नहीं किया। लेकिन इकोनॉमिक्स में जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में हमने कहा वेजेस, वेजेस में हो सकता है जो ओनर था उसने खुद ही वहां पे कोई काम किया है और उस जो ओनर ने उस जो काम किया है, जो लेबर के तौर पे वो उसने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है उसके अगेंस्ट उसने कोई मनी चार्ज नहीं की। बट इफ वी से इट्स एन कोई मनी चार्ज नहीं की तो आपने बाहर उस काम को करने के लिए उसने एफर्ट तो की है तो आपकी वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है पता ना, हमने डिस्कस किया था। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो कि एक्सप्रेस हुई है, वी हैव टू पे इन मनी, वो हमने मनी की सूरत में पे कर दी है, जो लेबर था जिसको हमने रखा मजदूरी के ऊपर उसको हमने वेजेस कहा कि 10,000 रुपए महीना तुम्हें देंगे, 20,000 रुपए महीना देंगे, तो 20,000 रुपए महीना हमने अपनी किसी से निकाला, खजाने से निकाला और उसको पे किया। तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, ये तो हमें सामने सामने नजर आ रही है, एक्सप्रेसिव है, नजर आती हुई कॉस्ट है। किसी से हमने किराए पे कोई फैक्ट्री दी, जमीन दी और उस फैक्ट्री को और जमीन को इस्तेमाल किया अपने बिजनेस के ऊपर और उसे हमने कहा था 1,00,000 रुपए महीना हम तुम्हें किराया देंगे, अपने बैंक अकाउंट से 1,00,000 रुपए हमने निकाल के उसको पे किया, तो ये तो एक्सप्रेसिव कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, ये हमें नजर आ रही है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी है? नो मनी पे, हमने मनी पे नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, एक था शख्स जिसकी अपनी जमीन थी और उसी पे फैक्ट्री लगाई, अब जमीन का कुछ ना कुछ रेंट होगा, हम लाभ आना उसको चाहे पे करें या ना करें, मनी टर्म के अंदर उसको पेमेंट ना करें, बैंक अकाउंट से ना निकाल के दें, बट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉर द सेक ऑफ कंबाइनिंग ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, जो भी कॉस्ट है उसको चाहे इम्प्लिसिट है चाहे एक्सप्लिसिट है, इन दोनों को ऐड करेंगे, इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट दोनों की एडिशन करके फिर हम अपनी इकोनॉमिक
कॉस्ट बनाते हैं और इसके अंदर प्रॉफिट भी उसका शामिल होता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो समझ रहा होता है कि मैंने 10 लाख रुपए लिया है, जो मैं प्रॉफिट ये बिजनेस कर रहा हूँ इसे 10% मैं नफा कमाऊंगा, वो भी हमारी कॉस्ट के अंदर शामिल किया होता है। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वो भी कॉस्ट में शामिल होता है, प्रॉफिट भी कॉस्ट में शामिल होता है। तो इसलिए जब हमने यहाँ पे कहा कि एसी इक्वल टू एआर या एआर इक्वल टू एसी, तो वहां पे हम कहेंगे कि ये नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं। इकोनॉमिक्स टर्म्स के अंदर हम कहेंगे कि ये नॉर्मल प्रॉफिट की बात हो रही है। क्लियर? ये कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को ये पॉइंट कि सर ये तो ब्रेक इवन की बात है और आप इसे नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कह रहे हैं। तो हम क्लैरिटी दे रहे हैं कि जब हम इकोनॉमिक्स में कॉस्ट की बात करते हैं, एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं, तो वी इंक्लूड एवरीथिंग। इम्प्लिसिट कॉस्ट भी इंक्लूड करते हैं, एक्सप्लिसिट तो वही होती है, और इसमें प्रॉफिट जो उसने नॉर्मल बिजनेस के अंदर चार्ज करना होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है कॉस्ट के अंदर। Then we have the situation of normal loss. So normal loss में क्या होता है? Your average revenue is less than your average cost. Average cost से less than, but ये अभी आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट से कम नहीं हुआ, तो इस वजह से अभी आप नॉर्मल लॉस पे हैं। और एबनॉर्मल लॉस, सुपर नॉर्मल लॉस ये अभी सिर्फ मेरे साथ पढ़ लें, इनकी जब तक आप असल शक्ल सूरत नहीं देखेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हो सकती। सुपर नॉर्मल लॉस या इसको शट डाउन प्राइस पॉइंट भी कहते हैं। शट डाउन कहते हैं कि जहां पे योर एवरेज रेवेन्यू इक्वेट्स योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, आपकी फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो रही, कवर नहीं हो रही आपका। इस टेबल को बाहर आपने नोट कर लेना है, ये याद रखना है, जब भी हम आगे चलते हैं तो आपको चीजें क्लैरिटी से समझ आएगी। Now let's go to the graphs that we have studied. अब हम दोनों चीजों को साथ में मिला के हम देखना चाह रहे हैं। और we want to see पहली सिचुएशन जो हमने कहा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के सिस्टम में हमने कहा हुआ है अवर एआर इज मोर देन अवर इज। अब ग्राफ इसके बना के देखते हैं। ये ही आपकी प्राइस है मार्केट के अंदर से, दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज सप्लाई कर्व, प्राइस थी, क्वांटिटी, ये मार्केट हमने बात की। ये मार्केट जिस जो भी प्रोडक्ट है जो कि अभी हमारी मार्केट स्ट्रक्चर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो प्रोडक्ट है, मार्केट ने ये एक प्राइस हमें बताई और वही प्राइस हमने कहा था हमारी जो परफेक्ट कंपटीशन है इसमें क्या कंडीशन थी, प्राइस इक्वल टू एआर इक्वल टू एमआर, याद है? भूल जाते हैं आपका ख्याल है, यही एआर है, यही एमआर है। याद चलते अच्छा, अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू सी कि आपने ये जो बात कही थी कि ये ए आर और ए सी और हमारी
इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर ये सिचुएशन होगी वो आप जरा दिखाइए अगर आपसे। तो मैं आपको कहूंगा साहब एक आप यहाँ पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बना लें, यू शेप होती है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और एक आप बना लीजिए शॉर्ट रन आपकी मार्जिन कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिन कॉस्ट में लोएस्ट पॉइंट से कैप्चर करना है और आगे चलना है। अब आप मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट बताइए। इक्विलिब्रियम पॉइंट की फिर मैं आप कंडीशन आपके सामने रख देता हूं। इक्विलिब्रियम पॉइंट की कंडीशन हमने ये दो पढ़ी थी कि फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां पे होगा जहां पे एम सी एम आर के बराबर होगा और दूसरा एम सी एम आर को कट फ्रॉम बिलो। ये दो बातें हमने कही थी। इन दो बातों की मद्देनजर रखते हुए आप मुझे बताइएगा कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मैं आपको कहता हूं इफ ए इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट, इफ बी इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट, इफ सी इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट, इफ डी इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है आप लोग जरा मुझे बताइए। अच्छा जी, सी क्या है? ज्यादा लोगों का ख्याल है कि सी इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्यों इक्विलिब्रियम पॉइंट है सी? इक्विलिब्रियम पॉइंट बाकी तो ये चीजें तो आपको क्लियर है। इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने यहां से ड्रा किया था, ये टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू और उनकी बेस के ऊपर हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमिन किया था, वो तो आप क्लियर होनी चाहिए। चरोज का ख्याल है बी, चरोज का ख्याल है बी होना चाहिए। अच्छा शहरोज बी में क्या हो रहा है, बी पॉइंट के ऊपर देखिए। बी पॉइंट हमारा रिलेट करता है मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। बी पॉइंट के ऊपर आवर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू आवर एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू आवर एवरेज कॉस्ट, ये बी पॉइंट के ऊपर भी हो रहा है। लेकिन हमने ये बात तो नहीं कही थी इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन थी, हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो ये है मार्जिनल कॉस्ट शुड इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। जी लिखा ठीक है, हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन नेसेसरी कंडीशन एम सी इक्वल टू एम आर है। चलो हमारी नेसेसरी कंडीशन ये नहीं है एम सी इक्वल टू ए सी, ये नहीं है हमारी कंडीशन। और एम सी एम आर के बराबर कहां पे हो रहा है जब ये एम आर कर्व है ये हमारे पास है और ये एम सी कर्व है, यहां जहां पे एम सी और एम आर आपस में कट कर रहे हैं वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि वहां पे सी के ऊपर हमारे पास एम सी एम आर बराबर हो रहे हैं। क्लियर है? जो हमारी कंडीशन थी इक्विलिब्रियम की कंडीशन के एम सी इज इक्वल टू एम आर वो होना चाहिए, और दूसरा उसने हमें कहा था कि ये नहीं होना चाहिए कि ये आप अगर मैं जाऊं ई पॉइंट, ई पॉइंट पे भी एम सी एम आर के बराबर हो रहा है, यहां पे भी एम सी और एम आर बराबर हो रहे हैं ई पॉइंट के ऊपर भी, ई पॉइंट पे भी एम सी एम आर के बराबर है और ये सी पॉइंट पे भी एम सी एम आर बराबर है, लेकिन हमने इन दोनों पॉइंट में से सी पॉइंट को एक्सेप्ट करना है। क्यों सी पॉइंट को एक्सेप्ट करना है? क्योंकि हमने सेकंड कंडीशन भी पढ़ी थी कि जनाब एम सी क्रस एम आर फ्रॉम बिलो, वो भी हमारी सेकंड कंडीशन भी थी। फर्स्ट कंडीशन इज कॉल्ड नेसेसरी कंडीशन एंड देन जी ए से पहले एम सी ग्रेटर है। जी तो इस वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज सी। ये स्टूडेंट्स काफी इसके ऊपर दबाव
बातें हैं कि जनाब ये सी क्यों इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आपने ये रखा क्यों है, ये कैसे पता चल गया कि जनाब फर्म को इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए थी, आपने ये कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे आपने कहा कि सी तक के पॉइंट तक हमें आइडेंटिफाई किया कि इतनी फर्म को क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए। अब हम ये कह रहे हैं कि फर्म शुड प्रोड्यूस टिल दिस क्वांटिटी, इससे ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी तो भी फर्म मुनाफा कम कमाएगी, और अगर इससे कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी तो भी फर्म मुनाफा कम कमाएगी। जी शैडोज अंडरस्टैंड या साइडोस्टैंड, अब दोबारा से इसे हैं, यहां पे हमने कहा था कि जनाब ये जो पॉइंट है इस कर्व का ये एम आर है और ये जो पॉइंट है ये एम सी है, जो तमाम जो कर्व होती है, कर्व की स्लोप को हमने पढ़ा था कि वो जो स्लोप होती है वो स्लोप हमारी मार्जिनल के बराबर होती है। स्लोप क्या थी ये पिछले लेक्चर दोबारा मैं रिपीट करता हूं, स्लोप क्या थी, स्लोप थी चेंज इन टोटल ओवर चेंज इन क्वांटिटी, और मार्जिनल्स क्या थे, मार्जिनल कॉस्ट या रेवेन्यू, चेंज इन टोटल कॉस्ट या रेवेन्यू एंड चेंज इन क्वांटिटी, यही था। तो हमने पढ़ा था कि जब हमारी ये दो पैरेलल लाइंस होती हैं वो दो पैरेलल लाइन विल हैव सेम स्लोप, दो पैरेलल लाइन विल हैव सेम स्लोप, तो मार्जिनल कॉस्ट जो आपकी टोटल कॉस्ट कर्व है इसके ऊपर जब ये टेंजेंट पॉइंट बना तो इसकी जो स्लोप है और ये जो पैरेलल लाइन की स्लोप है ये बराबर होगी इस पॉइंट के ऊपर, बाकी पॉइंट्स के ऊपर स्लोप इसके बराबर नहीं है, सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर जहां पे उसने टच किया टोटल कॉस्ट कर्व को वहां पे वो बराबर हुई। तो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट हमने यहां पे देखा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, इन दोनों की जो स्लोप है वो बराबर है, तो इससे हमने नतीजा हासिल किया था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर ये बात होना जरूरी है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को बराबर होना जरूरी है, यहां से हमने नतीजा निकाला था। तो ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, अब उस अंडरस्टैंडिंग को हम यूज करते हुए एक अपने स्नैरियोस आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं कि जनाब आपकी एक मार्केट है, उस मार्केट ने आपको एक प्राइस उसने आइडेंटिफाई की, ये प्राइस आपकी मार्जिन रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू बन गया और इस पे आपका एक कॉस्ट स्ट्रक्चर है, वो जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक इक्विलिब्रियम बताइए कहां पे है। तो हमने इक्विलिब्रियम देखा जहां पे एमसी एमआर के बराबर हुआ, हमें पता चला सी पॉइंट के ऊपर एमसी एमआर के बराबर है, और इस पॉइंट के ऊपर हम यानी कि यहां पर क्यू तक करेंगे, और क्यू पे आप देखिए कि हमने क्या कहा था, आवर ए आर विल बी मोर देन आवर ए सी, आवर ए आर विल बी मोर देन आवर ए सी, ए आर और ए सी, यहां पे हमारा डी पॉइंट के ऊपर ए आर और ए सी बराबर हो जाता, डी पॉइंट के ऊपर ए आर और ए सी बराबर हो जाता, लेकिन सी पॉइंट के ऊपर आवर ए आर इज दिस, ए आर तो यहां पे है और ए सी यहां पे, ए आर इज हियर एंड ए सी इज हियर। फिर मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूं आपके साथ सिर्फ इस ग्राफ को समझाने के लिए, क्योंकि आगे हमें ये सारे ग्राफ इस्तेमाल करने वो सी जगह के ऊपर, ए आर यहां पे है सी पॉइंट, अब हमने इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है सिर्फ, इससे ज्यादा भी नहीं प्रोड्यूस करनी, इससे कम भी नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम नोट किया है, इक्विलिब्रियम क्यों नोट है, क्योंकि हमने ये यहां से पढ़ा था कि टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू और फिर हमने मार्जिनल कॉस्ट और ये कंडीशन हमने यहां से आइडेंटिफाई कर ली थी, उसकी बेस के ऊपर हमने जब ये ग्राफ बनाया तो इक्विलिब्रियम हमने कहा नहीं सर ये बस सी पॉइंट के ऊपर आगे हम अड़ गए कि
क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग है एमसी शुड बी इक्वल टू एमआर और एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो और इस पॉइंट के ऊपर हमारा इक्विलिब्रियम है, इस पॉइंट पे ही हम हमारी फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगी। इस पॉइंट के अलावा जहां पे भी होंगे वहां पे हम मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, कम प्रॉफिट कमाएंगे। इस वजह से हमने अपनी फर्म को रोक दिया, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करनी, बस इस पॉइंट पर आके जहां पे एमसी एमआर के बराबर है वहां पे प्रोडक्शन ग्रोथ हो। क्लियर है इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट और इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन। हमने इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन कर दी, फर्म को कहा इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करनी, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, ये सिर्फ प्रोडक्शन लेवल है जहां पे आप का जो एवरेज आपका टोटल रेवेन्यू का और टोटल कॉस्ट का जो गैप है वो मैक्सिमम होगा, आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। इसके बाद आपका टोटल कॉस्ट ने क्योंकि ऊपर जाना है आपका और प्रॉफिट कम होता जाएगा। अच्छा अब अगली बात, ये बात क्लियर होगी। अगली बात है कि हमने कहा कि यहां पे एआर और यहां पे एसी इस पॉइंट के ऊपर, और हमारा जो ये कंडीशन थी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए भी एआर शुड बी मोर देन एसी, वो यहां पे सेटिस्फाई हो रही है, और हमारी जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट जो हमने आइडेंटिफाई की थी, ये जो कॉस्ट थी हमारा रेवेन्यू इन सब कॉस्ट से भी बढ़ गया है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, उसको हम ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे। हम कहेंगे जनाब दिस इज आवर कॉस्ट एंड दिस इज आवर रेवेन्यू, प्राइस सी जीरो। आपका जो ये एरिया है सी सी ए सी क्यू जीरो, ये जो एरिया है दिस एरिया रिप्रेजेंट्स योर कॉस्ट। ये जो चार मैंने इसके पॉइंट्स बनाए सी ए सी क्यू एंड जीरो, ये चार पॉइंट्स मिलके जो एरिया बना रहे हैं, ये रेक्टेंगल जो बन रही है, ये रेक्टेंगल आपकी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल कॉस्ट आपकी कितनी होगी, टोटल कॉस्ट कैसे बनाते हैं, एसी इंटू क्यू करते हैं, टोटल कॉस्ट हमने पहले भी की, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आपकी कॉस्ट इंटू एवरेज कॉस्ट इंटू क्यू करते हैं आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं आएगी। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू करते हैं, इसी को मैंने चेंज कर दिया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एसी इनटू क्यू, तो इसके तो फर्क तो नहीं किया हमने। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर अगर हमने कहना हो तो हम कहेंगे सी ए सी क्यू एंड जीरो रिप्रेजेंट्स द टोटल कॉस्ट ऑफ दी फर्म। एंड देन अगर हमने टोटल रेवेन्यू कहना हो, टोटल रेवेन्यू किस तरह से है, ये पी ए आर क्यू एंड जीरो टोटल रेवेन्यू एरिया, ये रिप्रेजेंट्स टोटल रेवेन्यू एरिया, पी ए आर क्यू जीरो रिप्रेजेंट्स टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एरिया हमें लग रहा है इज मोर देन आवर टोटल कॉस्ट एरिया, इस वजह से यहां पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, बाकी भी आप किताब से भी पढ़ेंगे कुछ और कुछ मेरे से भी दोबारा पूछे। अच्छा जी, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था, अब हम कहते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन क्या होगी, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन को दोबारा से बनाए, मार्केट ने बताया हमें प्राइस हमारी और डेम्बर बननी है, ये प्राइस की इसे डिमांड, this is supply, this is quantity, this is price, this is AR, MR, perfect competition, ADC,
and this is the quantity. और अब दूसरा काम हमारा ये हमारी ये हमारा short term average cost and ये सेम पॉइंट के ऊपर वो थोड़ा सा ऊपर कम बता रहा हूँ लेकिन बाद हमारा जो short term average cost है जो lowest point है वो आपका ईआर कर्व्स को एमआर कर्व्स को वहां पे कट कर रहा है और जो आपका एमसी है एमसी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका बन रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट पॉइंट ही ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट ही के ऊपर आपका ईआर भी है एसी भी है और एमसी भी है और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है एसी पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम क्यों है क्योंकि एमसी एमआर को कट कर रहा है MC, MR, ये MR है. MC, MR को कट कर रहा है और नीचे से कर रहा है इसलिए ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और इसी पॉइंट के ऊपर आपकी टोटल जो एवरेज कॉस्ट कर्व है और जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो भी इसी पॉइंट के ऊपर लाइन कर रही है दैट मीन योर कॉस्ट एंड योर रेवेन्यू हैव सेम एरिया अगर मैं इसे प्राइस को पी एंड सी कहूं और इसको मैं पॉइंट इक्विलिब्रियम कह देता हूं ई और ये जीरो तो आपका पी सी ई क्यू जीरो जो ये रेक्टेंगल बन रही है दिस रेक्टेंगल सेम फॉर इक्वल टू कॉस्ट एंड इक्वल टू रेवेन्यू और मेरे भाइयों मेरे दोस्तों से सचिन होते हैं मेरे बेटे और और लगी ने समझ यहाँ नहीं लगी चले मुझे लग रहा है आज मैं बस इधर बोल ही रहा कोई रिस्पांस आपकी तरफ से आ नहीं रहा हाँ जी कितनी भी समझ लगी है कितनी भी नहीं लगी है अच्छा इसका करते हैं समझ का पता लगाने के लिए ना अब जो दूसरे दो एरिया रह गए ना एक एक एरिया बस रह गए दूसरे को छोड़ ये जो नॉर्मल लॉस का एरिया नॉर्मल लॉस का आप लोग मुझे प्राइवेट मैसेज में इधर व्हाट्सएप करते चले ग्रुप पे ना करें ताकि दूसरे बच्चे को पता ना चले तमाम लोग ये करें कि नॉर्मल लॉस की जो सिचुएशन है उसका ग्राफ बना के उसका ग्राफ बना के मुझे सेंड करें अली अलीशा फिजा रमदान नुमान सदर और शहरोज कौन कौन अली अलीशा फिजा रमदान नुमान सदर और शहरोज ये इस तरह करें कि नॉर्मल लॉस का जो एक हमारी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हुई है उस नॉर्मल लॉस की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को मेरे साथ व्हाट्सएप के अंदर शेयर करें ताकि मुझे पता चल सके कि अली को निशा को फिदा को रमजान को रमान को सदस को शहरोज को इसके अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई है ठीक है नॉर्मल लॉस का तो कम अज कम आप कर सकते हैं वो करना चाहिए जिसको इसकी समझ आती है ठीक है नॉर्मल लॉस का आप लोग बना के बनाए किताब से भी ना देखिएगा और सिर्फ अपनी जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उसी से बना के आज के दिन के लिए इतने करते हैं फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं अल्लाह हाफिज़